डुमरी प्रखंड केवी हाई स्कूल के मैदान में झामुमो युवा मोर्चा प्रखंड इकाई द्वारा आयोजित टाइगर जगन्नाथ महतो मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का समापन शनिवार की संध्या को हुआ। इस पुरस्कार वितरण के मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक ससूबे के उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री बेबी देवी एवं विशिष्ट अतिथि मंत्री पुत्र अखिलेश महतो उर्फ राजू महतो, बीस सूत्री अध्यक्ष डेगलाल महतो, प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार महतो उपस्थित हुए। इसके पूर्व मंत्री के आगमन पर आदिवासी समाज के पुरुषों द्वारा पारंपरिक ढोल नगारों के साथ स्वागत किया गया। फाइनल मैच एनएफसी क्लब नगलो एवं एफसी खुशी क्लब विराजपुर के बीच खेला गया, जिसमें नगलो की टीम 2-1 से विजयी रही। विजेता टीम को स्थानीय विधायक ससूबे के उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री बेबी देवी के हाथों 50,001 रुपए नगद व ट्रॉफी, उपविजेता टीम को मंत्री पुत्र अखिलेश महतो राजू के हाथों 30,001 रुपए नगद व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। इसी तरह तीसरे व चौथे स्थान पर रहे दोनों टीम को 10,000 रुपए एवं नगद ट्रॉफी देकर क्रमशः झामुमो प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार महतो राजू व पूर्व जीप सदस्य भोला सिंह के हाथों सम्मानित किया गया। लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री श्रीमती बेबी देवी ने कहा कि वह क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं को उभारने के लिए हर संभव प्रयासरत रहेंगी। उन्होंने युवा खिलाड़ियों को खेल के साथ साथ पढ़ाई में भी ध्यान देने के लिए कहा। इस पुरस्कार वितरण समारोह में मंत्री प्रतिनिधि राजकुमार पांडे, बरकत अली, मिथिलेश महतो, मुखिया नूरुद्दीन अंसारी, खेल संरक्षक स उप प्रमुख उपेंद्र महतो, उमाकांत महतो, सोनू सोहेल, सचिव भोली महतो, बबलू रजक, सुबोध यादव, प्रकाश चंद मेहता आदि उपस्थित थे। समापन समारोह में उपस्थित सभी मोर्चा के सिपाहीगण, सभी खिलाड़ीगण और खेल प्रेमियों को मेरा हार्दिक जोहार, बहुत 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 ही खुशी लगा कि दोनों हम लोग का लोकल टीम पहुंचा फाइनल और बहुत ही अच्छा अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया खेल के। हम सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामना देंगे, खासकर नगलो टीम बहुत ही कड़ी परिश्रम करके इस टूर्नामेंट का अपना नाम किया। पिछले वर्ष भी नगलो टीम बहुत कठिया अच्छा खेला था और आगे भी उम्मीद करेंगे। इस क्षेत्र के सभी खिलाड़ियों से आग्रह करेंगे खेलते रहे और हम लोग से सहयोग लेते रहे और हमारे राज्य सरकार ने भी सभी प्रखंड में एक ग्रुप बनाने का काम किया है और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के काम कर रही है। हम लोग से जो भी सहयोग बन पाएगा करते रहेंगे। यही बात बोलकर अपना बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड और सभी कमेटी।